नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे आज अपने पास रिपेयर होने के लिए आई है एक 43 इंची नोकिया एलईडी टीवी, जिसका मॉडल नंबर आप देख पा रहे होंगे 43TA UHDN। इसमें प्रॉब्लम ये एंड्रॉयड टीवी है दोस्तों, ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको पावर सप्लाई में लगाता हूँ मैं, ये पावर सप्लाई में इधर मैंने कनेक्ट कर दिया है और इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टैंड बाई की एलईडी जल चुकी है और मैं यहाँ पे पावर ऑन का जो स्विच है वो ऑन करता हूँ। मैंने पावर ऑन का बटन दबा दिया है, स्टैंड बाई रिलीज हो चुकी है और यहाँ से ये कवर जो है समय बचाने के लिए मैं पहले ही खोल लिया आपका सामने, और आप देख पा रहे होंगे इसमें, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसमें एलईडी जल चुकी है, एलईडी जल चुकी है दोस्तों, लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सामने डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ, जितने भी VGH AVDD VGL VCOM सारे जितने भी टेस्टिंग पॉइंट हैं वो अपन बारी बारी से चेक करेंगे। तो मैंने DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया है और एक मल्टीमीटर का एक सिरा मैं ग्राउंड के साथ टच कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आके 12 वोल्ट आने चाहिए, यहाँ पे 12 वोल्ट आ चुके हैं दोस्तों, लेकिन 484 584। अब यहाँ पे ये VGH का पॉइंट है तो यहाँ पे VGH की टेस्टिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कोई वोल्ट नहीं आ रहे हैं, और VAA कोई वोल्ट नहीं है, HVA कोई वोल्ट नहीं है, VDD कोई वोल्ट नहीं है, VDD कोई वोल्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। अंकल जी कोई काम कर, कोई ना कोई यहाँ पे शॉर्टिंग चल रही है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार इस साइड की LVDS खोल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और फिर टीवी को ऑफ करके ऑन करते हैं। दिया है, अब दोबारा से स्टैंड बाय रिलीज करता हूँ और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैकलाइट जल जाएगी, बैकलाइट जल चुकी है। अब वोल्टेज की टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे VCC के 12 वोल्ट आ चुके हैं मंगल बाजार, उसके बाद में ये देख पा रहे होंगे VGH सप्लाई 30 वोल्ट बन चुकी है, VAA 14 वोल्ट, HVAA 7 वोल्ट, VDD ये 1 वोल्ट, ठीक है मैं पूछता हूँ आके वहाँ पे, VDD ये यहाँ पे कोई वोल्ट, एक 2 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो यहाँ पे लगभग सारे जितने भी टेस्टिंग वोल्ट हैं वो आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है जो वाली जो LVDS कॉफ है, जिसको आप LVDS कॉफ भी बोल सकते हो, तो ये वाली जो है इसमें प्रॉब्लम है, इसमें जो है इस पैनल में जो है शॉर्टिंग है। देखते हैं आधी डिस्प्ले आ जानी चाहिए अपनी, आप देख पा रहे होंगे हाफ जो है डिस्प्ले आ चुकी है, इसका मतलब ये है कि इस साइड की जो ये जो स्केलर PCB है इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इस साइड की में फॉल्ट है। तो अपन क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे इस साइड में जो 60 लिखा हुआ है उस साइड से 6, इस साइड से 6 काउंटिंग कर लेंगे, 6 पिन छोड़ देंगे और इसके बाद में ये 9 पिन है, यहाँ तक ये जो लाइन है, अगर ऐसे ना समझें तो मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि ये जो आपके पिन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पिन है इनको आप, ये जो LVDS है इसके ऊपर एक टेप ले लेंगे जिसको सेलो टेप बोलते हैं, ये वाली टेप वाइट पारदर्शी टेप, ये जो आपकी 9 पिन है इनको इस टेप से कवर कर देंगे यहाँ से लगा के और इधर लपेट देंगे, ताकि ये 9 जो पिन है ये इन पिनों के साथ कनेक्ट ना हो। तो मैंने ये टेप लगा ली है, आप देख पा रहे होंगे मतलब इस टाइप से मैंने टेप को काटा है, ताकि ये जो 9 पिन जो आपको मैंने बताई ये कवर हो जाएं, इनके साथ ये संपर्क ना करें। मैं इसको टीवी को ऑफ कर देता हूँ, या अभी तक ऑन है, ऑफ करके ये यहाँ पे LVDS का जो केबल है ये लगा देता हूँ यहाँ पे। मैंने ये जैसे ही LVDS कॉप लगाई है आप देख पा रहे होंगे इधर डिस्प्ले जो है बन जानी चाहिए, आप देख पा रहे होंगे ये जो है डाउनलोड हो रहा है, इसका मतलब पूरी डिस्प्ले आप देख पा रहे होंगे आ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर डिस्प्ले आ चुकी है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैंने इस
अगर आपके इस साइड के कॉफ में अगर कोई प्रॉब्लम न हो, इसको आप निकाल दें और वापस जैसे कि जैसा निकाला था वैसा लगा दें। इसको हटा के देखें, अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो इसमें भी सेम ही आपको जो प्रोसेस है वो करनी है, आपका एलईडी टीवी ठीक हो जाएगा। दोस्तों फिर भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमारे से सलाह ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।